गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज आपका मैथ सेकंड का टर्न है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोगों को मैथ फर्स्ट पढ़ाऊंगी मैं, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैथ सेकंड। सो आज मैथ सेकंड का टर्न है। मैथ सेकंड में आपका अध्याय थर्ड जो है यूनिट 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्शन, ठीक है, दिशाएं पढ़ी होगी, इस तरह से डायरेक्शन पढ़ा होगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। दोनों के साइन प्लस प्लस होंगे। इसमें क्या बेटा, आपका एक्स जो है
3.1 में आते हैं हम, एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि इसकी आगे का जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब कराएंगे फिर हम बताएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखी टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक कोई अदर आपका पर्सन दिया हुआ है और कह रहा है आप अपने जिस टेबल पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उस पर आप बैठे हो, तो टेबल लैंप जो रखा हुआ है उसकी जो जो जिस जगह वो रखा है उसको आप किस तरह से बताओगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपका आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं आंसर आंसर कराऊंगी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ अभी। देखिए अगर आपका एक टेबल इस तरह से बना हुआ है, मान लीजिए सपोज
इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4.3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3.4 माना जा सकता है। ठीक है, इसका एक मॉडल बनाना है। देखिए, इसको मैं ये कर रही हूं। ये आपका पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण, और बोला गया जो मुख्य सड़कें हैं वो यही है, जो ये आपकी मुख्य सड़क भी है। सेम इस तरह ये वाली जो आपकी सड़क है ये आपकी मुख्य सड़क है। ठीक है,